साथियों, जैसा कि आप सबके सामने ये पट्टिकाएँ दो दिखाई दे रही हैं, ये एक जो इन्होंने नई पट्टिका भी दो चार दिन पहले लगाई है अपने हमारे राज साहब जी की पट्टिका तोड़ के, और जो इन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंग बनवाई थी उसकी पट्टिका थी और इन्होंने अपनी ये पट्टिका लगवाई है। तो इसके विरोध में जो है हम कल, अभी आज शनिवार है, कल संडे है, तो परसों यहाँ पे सुबह जो है 10 बजे स्कूल के गेट के ऊपर पहले धरना प्रदर्शन होगा। तो जितने भी हमारे कांग्रेस जन हैं वो यहाँ आने की कृपा करें, और जिनके लिए राज साहब एक सम्माननीय और विकास के मसीहा थे, और इनसे पूछा जाएगा, और ये पूरा हमारा स्कूल का स्टाफ है इसको यहाँ से इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। और ये जो निंदनीय घटना इन्होंने की है यहाँ पे, इसके लिए जो है ये दोषी जो हैं इनको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो है इसको मजबूती से हमने उठाना है। तो साथियों, अब सबसे निवेदन है कि यहाँ सोमवार को 10 तारीख से पहुँचने की कृपा करें, और उसके बाद फिर यहाँ से हम SDM साहब को देंगे, लेकिन SDM साहब को यहीं बुलाएंगे हम स्पॉट पे। मेरा आपसे वादा है कि SDM साहब को यहीं स्पॉट पे बुलाया जाएगा और इसको जो है ज्ञापन दिया जाएगा, स्पॉट पे ही ज्ञापन दिया जाएगा। अभी जो है हम इस पट्टी का जो है यहाँ पे ये सामान्य बोरी लाए हैं, उस ढेर में यहाँ पे थी, जिसका फोटो आपको हम दिखा देंगे बाद में। इस ढेर से देखो, अभी भी यहाँ पे देखो इसके अवशेष हैं, जैसे कि ये हैं सर, ये देखिए, ये और भी निकलेंगे। इन्होंने यहाँ पे इन पत्थरों के बीच में इसको छुपा दिया था, और अब इसको जो है यहीं से हम उठा के अभी, और यहाँ पे जो स्कूल में CCTV लगे हैं, और यहाँ पे प्रिंसिपल का जो रूम है, जो प्रिंसिपल साहब का रूम है, उस रूम में, रूम के बाहर जो है इसको कैमरों की उसमें रखा जाएगा, जो यहाँ पे PN है उनके पास हैंड ओवर किया जाएगा, और तब फिर हम इसको हैंड ओवर करते कि भी आपको फिर इसका, ये वाली बिल्डिंग है सर सामने जो थी, देखिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो ये इन्होंने किया है घटनाक्रम, इसकी जो कड़ी निंदा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय साथियों, आज जिस विषय पे हम आपसे मुखातिब होना चाहते हैं वो ये है कि हमारे भेड़ी आदर्श मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय विद्यालय वरिष्ठ विद्यालय में जो है वो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हमारे हिमाचल के लोगों के दिलों की धड़कन, उन्होंने जो है हमारे लिए यहाँ पे एक विज्ञान प्रयोगशाला जो कि चुनिंदा स्कूलों में उस समय दी गई थी, और वो यहाँ पे भरेड़ी का जो स्कूल था इसमें भी उसको स्थापित किया गया है। भाई जरा कैमरा पिछली ओर घुमाना, ये है सर वो लैब जो कि ये विज्ञान प्रयोगशाला है, ऐसा बात है आपने कर ले। तो ये लैब माननीय हमारे राज साहब अमर रहे, उन्होंने स्थानीय जनता के लिए और जो हमारे विद्यार्थी थे उनको सुविधा प्राप्त करने के लिए दी थी। तो आज देखो बड़े दुख के साथ ये मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि अभी पिछले 4 दिन पहले यहाँ पे जो है हमारे विधायक जो हैं कमलेश कुमारी जी, उनका यहाँ पे एक ग्राउंड है, वो बिल्डिंग बननी थी, उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखने आना था। लेकिन देखिए जो सत्ता का तानाशाही एक रवैया है, उसके जरिए इन्होंने जो यहाँ का स्टाफ है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, वो भी उन ताकतों के साथ मिल चुके हैं, जो तानाशाही और देश को बांटने वाली जो हर प्रकार की ताकत है, और जो किसी के जो खुद दिन से विकास हो नहीं रहा है, और जो पुराना विकास हुआ है उसको जो पट्टिकाएं हैं वो तोड़ी जा रही हैं। पट्टिकाएं तोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये आपके सामने वो पट्टिकाएं हैं भाई, आना जा रहे हैं यहाँ पे भाई, ये आपके सामने वो पट्टिका है राजा साहब की, देख लीजिए, 2005 में जो इन्होंने विज्ञान प्रयोगशाला यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बनाई गई थी, और उसका ये शिलान्यास पॉइंट था। और ये जो है इन्होंने पट्टिका तोड़ के यहाँ पे जो है वो विधायक जी की ये जो ग्राउंड है, ये भी कांग्रेस के कार्यकाल में ही बनाया गया था, और इस ग्राउंड को फिर से ये इसमें रिपेयर करना चाहते हैं, और इसके लिए पट्टिका लगाई गई है। इसके लिए इन्होंने यहाँ से जो है वो राजा साहब की पट्टिका उखाड़ी और अपनी इन्होंने लगा दी। अबे सत्ता के लालचियों, अबे भूखों, अगर तुम्हें इतनी ही शर्म थी, तुम इतना ही विकास करवा रहे हो, तो तुम्हें अपना लिए अलग यहाँ पे बना देते, उस पे इस अपनी पट्टिका को लगा देते। अगर तुमने राजा साहब की पट्टिका तोड़ दी, तुम्हें शर्म नहीं आई, और इस प्रशासन को तो कल पूछते हैं जब ये दफ्तर में आएंगे। भाई थोड़ा पिछली साइड से भी आना, देखिए जी इसका बैकग्राउंड आपको लग रहा होगा, ये जो इन्होंने लगाया था ये उस समय का ही है, और ये कितना भरा हुआ है। अगर नया लगाते तो यहाँ पे मिट्टी सारी हिली होती, इन्होंने थोड़ा सा आगे से साफ किया ही, और इसको निकाले यहाँ से पट्टी का तोड़ी और यहाँ पे अपनी चिपका दी। अब ऐसा है हम यहाँ पे बोरी ला रहे हैं।